हुई आपके सामने आपको क्रश एंड व्हाट डिड शी डू ओ माय गॉड नई नई चीजें कितना महंगा लिया हम लोगों ने ये मेरे पहले ब्लॉग में खुशामदीद और ये मेरा पहला ब्लॉग है एक तो और आज के दिन प्लान मेरा कुछ इस तरह है कि मैं मेरी दोस्त अलीजा ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है एक लिटरेरी वॉक जिसमें हम लोग लाइब्रेरीज वगैरह की तरफ जाएंगे तो फिर वहाँ पर मैं जा रही हूँ अभी अपने बहन भाई के साथ कुछ दोस्त होंगे। अच्छा बहुत से लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की हुई थी कि सब टाइटल्स हों लेकिन क्योंकि ब्लॉग है और मैं बहुत कैजुअली बोल रही हूँ तो आई डोंट थिंक इसमें सब टाइटल्स की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो इसलिए आई एम नॉट एडिंग इन दिस वन बट इंशाल्लाह जैसी मेरी लास्ट वाली वीडियो थी अगर उस तरह की मैं वीडियो वापस बनाऊंगी तो फिर आई विल डेफिनेटली ऐड सबटाइटल्स। मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच गई हूँ जो कि है डीजे साइंस लाइब्रेरी और मेरे फैंस चेक करें आप लोग कि अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों में से कुछ भी अलाउड नहीं है क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं अलाउड लेकिन दिस इज़ वियर्ड क्योंकि अंदर लाइब्रेरी इतनी एस्थेटिक और इतनी विंटेज वाइब वाली है लेकिन उसके बावजूद ही लोग अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं करते तो आखिर दूसरों को पता कैसे चलेगा कि लाइब्रेरी एग्जिस्ट भी करती है। और उसके अलावा सारी की सारी किताबों पर ताले लगे हुए हैं, सारी अलमारियों पर ताले लगे हुए हैं, मतलब हम किताबें जाके देख तो सकते हैं जैसे कि वो बुक शॉप में रखी हुई है लेकिन पढ़ नहीं सकते। अब पता नहीं हमारे लिए स्पेशली ताले लगा दिए थे उन्होंने या फिर लगाए रखते हैं, ये मुझे नहीं पता। और इस वक्त लुबाबा यहाँ पे अपनी तस्वीरें खिंचवा रही है और फातिमा तस्वीरें खींच रही है। ब्रोस क्यों नहीं हम लोग अंदर वीडियो बना सकते। चलो अब अलीजे ने हम लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। यार ये कराची की पुरानी बिल्डिंग है और आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है लेकिन जबूहाली का शिकार है, बहुत ही बुरे हालात में पड़ी हुई है। अच्छा क्योंकि पुरानी वाली बिल्डिंग तो बर्बाद हुई है तो हम लोग पिक्चर्स के साथ ही तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो हम गूगल पे भी कर सकते हैं। हाय अंकल जूते तो टूटे है ना यहाँ। हाँ इधर भी You just want attention. हम लोग दूसरी वाली लाइब्रेरी में आ गए हैं जो कि स्ट्रीट लाइब्रेरी है तो भी आई हूँ। और लाइब्रेरी कुछ इस तरह की है, ये स्ट्रीट लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप लोग एक किताब लेकर आ सकते हैं जो कि यहाँ पे रखे और यहाँ से किताब लेके चल जाए और ये लिटरली एक साल भी पूरा नहीं हुआ इसको बने हुए तो यहाँ पर जरूर आए, मतलब ऑकवर्ड आई डोंट नो। पर कराची की बिल्डिंग बनी है। हाय वी मीट अगेन। उसकी बात है किसी को वैसे अल्लामा इकबाल को बताना चाहिए था, उनको साइट पोज अच्छा नहीं आया। हाय मुस्तफा हमदान
आप लोग यहाँ पे कब से दुकान रखे हुए हैं यहाँ पे? 35 साल 35। तब तो कराची बड़ा साफ सुथरा होता था, यहाँ भी गंदा था। बिल्कुल साहब, ये दुकान थी ये तोड़ दी। तोड़ दी? इनक्रोचमेंट किया? ये सारी तीनों दुकानें थी तोड़ दी। अच्छा, कच्ची दुकान थी, इन्होंने अभी थोड़ा कर दिया ना। ये रहा पुराना कराची, ये रहा नया कराची। अरे ऐसा होना नहीं चाहिए, प्लीज चेंज कर दो भाई। तो भाई हम लोग बर्न्स रोड पर वॉक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरी आवाज कितनी आ रही है, लेकिन ये जगह बहुत प्यारी है सच में। सच्ची बात है, मुझे याद नहीं है कि हमारी बस खड़ी ही कहाँ थी। मजेदार मजेदार हलीम में जा रहे हैं। मजेदार हलीम से ना हम लोग ना टेंट लेके जाते हैं, हम लोग सऊदीया वगैरह जा रहे होते हैं, तो वैसे मैं यहाँ कभी आई नहीं हूँ। और अब हम लोग घर वापस आ गए हैं। हाय पापा।